वेलकम टू युगांडा द पर्ल ऑफ अफ्रीका। यार पहाड़ी लोग हर जगह अच्छे होते हैं यार, सिर्फ हमारे देश की बात नहीं है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए भाई, फ्लैग दिख रहा होगा इधर में आप लोगों को, साउथ सूडान का। चलिए ओके, थैंक यू। ये साउथ सूडान के भाई हैं। भाई अभी हमारी गाड़ी उधर जाने वाली थी तो यहाँ पे इदी अमीन बैठते थे। किंग जॉर्ज को छुपाया गया था यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। रस्ते में तो तुम्हारे बाबा इतना सीरियस होके नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक आपट और वेलकम टू युगांडा। फिलहाल अभी मैं हूँ नॉर्दर्न युगांडा के लाम्बो डिस्ट्रिक्ट के लोकुंग नाम के जगह पे। वैसे ये एक छोटा कस्बा है यार, लेकिन मैं बताऊँ आप लोगों को, ये यहाँ का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर एरिया है ना। आप लोगों को देखने से नहीं लगेगा लेकिन है। और इससे पहले वाला वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा हम लोगों का जो सफ़र था नॉर्दर्न युगांडा की, कैसे शुरू हुआ। शुरू हुआ जिंजा से, जिंजा से हम लोग गए बुगिसा, बुगिसा से बुसोलवे, वहाँ से आप लोगों ने देखना शुरू किया। बुसोलवे से फिर हम लोग गए मलाबा, मलाबा से सोरोप्ती, लीरा, लीरा से गुलू, गुलू से फिर हम लोग आए अरुफॉल। आप लोगों ने देखा हम लोगों ने वहाँ पे कैसे नहाया, कैसे एंजॉय किया। उसके बाद वीडियो ख़त्म हुआ था। उसके बाद दोस्तों हम लोग आए कितकुम कितकुम, और कितकुम से आज हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं इस जगह पे। और आज जाने का मन है साउथ सूडान के बिल्कुल पास में। वैसे ही अभी मैं जहाँ पे हूँ ये युगांडा और साउथ सूडान का बिल्कुल बॉर्डर एरिया है, बिल्कुल टॉप नॉर्थ में हम लोग पहुँच गए हैं दोस्तों। इधर कुछ माउंटेन्स आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, ये फिर उसके पीछे पता नहीं कैमरा में आ रहा है नहीं, वो साउथ सूडान पड़ता है। हम लोग जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बहुत पास से दिखाने की कोशिश करूंगा मैं आप लोगों को, है ना। यहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ दोस्तों, बेर लोबो बार एंड लॉज, है ना। यहाँ पे इनके पास में रुकने के लिए रूम्स भी हैं अंदर में, और ये मेन एरिया यहाँ का। थोड़े दूर में कुछ और भी दुकान वगैरह हैं। ये अशरफ भाई से आप मिलिए। हेलो भाई, गाड़ी में कुछ दिक्कत आ गया है, सॉल्व करने के लिए आए हुए हैं। एक दोस्त के घर पे आया हुआ हूँ, यहाँ पर ही दोस्त बना। ये कैसे ट्रिमिंग कर रहे हैं खुद से देखिए बालों को। तो हम लोगों का प्लान चेंज हो गया है। हेलो ब्रदर, तो इन वाले भाई साहब के साथ में जाने वाले हम लोग साउथ सूडान के तरफ, क्योंकि आप लोगों ने देखा कुछ प्रॉब्लम आ गया बाइक में, वो बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। और इस बाइक में देखो यार, साउथ सूडान नंबर है भाई। तो यार बॉर्डर के बिल्कुल पास में पहुंच गए हैं, उससे थोड़ा पहले रुक गए हैं। यहाँ साउथ सूडान और युगांडा के बीच में जो बॉर्डर है, उस इलाके में गांव कैसे होते हैं वो देखने दिखाने के लिए यहाँ के लोगों से भी मैं मिलवाऊंगा दोस्तों आप लोगों को। हेलो इटिया नीनी, यू हेलो। ओके, बॉर्डर के पास जाने से पहले मैं आप लोगों को गांव तो दिखा रहा हूँ, लेकिन आज का मेन वही है जो सोच के मैं निकला हुआ हूँ कि युगांडा साउथ सूडान बॉर्डर देखना है। और हो सके तो एक एक्सट्रीम लेवल का एडवेंचर करने का मन है यार, मैं बताऊंगा पॉसिबल होगा तो। बहुत सही तो नहीं है लेकिन मेरे खुरापाती दिमाग में ये ख्याल आ रहा है। बहुत तगड़ी धूप है भाई यहाँ पे और काफ़ी गर्मी, धूप भी ऐसा है ना, लग रहा है कि यार आग जलाए गए आस पास में। थैंक यू। ओके, बस इस वजह से और धूल धक्कड़ होने की वजह से मैं ये सॉल पकड़ा हुआ हूँ। आज वैसे उतना ज़्यादा धूल तो नहीं है क्योंकि इस रास्ते में ज़्यादा कोई नहीं आते हैं। तो जाने से पहले एक बार फिर से देखिए यहाँ पे घर द्वार कैसे होते हैं, लोगों से आप मिल ही रहे हैं और ऐसे बर्तन सुखाते हैं यहाँ भी, बर्तन धो के कपड़ों के जैसे, है ना। और घर के अंदर कैसा होता है, किचन कैसा होता है, अभी मैं जाके नहीं दिखाऊंगा। हो सके तो आप लोग इससे पहले वाला ब्लॉग देखिए, नॉर्दर्न युगांडा का पहला ब्लॉग, उसमें आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो फाइनली भाई पहुंच गए हैं नॉर्थ युगांडा के बिल्कुल नॉर्थ के पास में, वहां पे जहां पे युगांडा देश है। वैसे इसके बाद थोड़ा सा जीरो पॉइंट है, उसके बाद साउथ सूडान। ओके, ये जहां पे मैं चल रहा हूं ये किसी भी देश का नहीं है। थोड़े दूर तक ये वाला रूट बिल्कुल भी टूरिस्ट के लिए या फिर किसी प्रकार के व्हीकल्स के लिए बड़ी यूज़ नहीं होता है, होता होगा तो बहुत कम। जो मेन है वो है एलगे के तरफ, एलगे ऐसा कुछ नाम है, बीबिया के तरफ में, है ना, वही है मेन बॉर्डर। ये देखिए भाई, फ्लैग दिख रहा होगा इधर में आप लोगों को, साउथ सूडान का, साउथ सूडान के पहाड़। हेलो, यू आर फ्रॉम साउथ सूडान और युगांडा? युगांडा साउथ सूडान, गुड गुड। आर यू मुंडारी? चलिए ओके, थैंक यू। तो भाई देखिए, ये साउथ सूडान के भाई हैं।
वापस जा रहे हैं। साउथ सूडान देश के बारे में आप लोग जानते होंगे यार, ये बहुत सुंदर देश है, लेकिन थोड़ा स्थिति वहाँ पे उतना सही नहीं है। आप लोग आए दिन सुनते रहेंगे। और साउथ सूडान एक ऐसा देश है जो मान्यता मिला हुआ देशों में से सबसे नया देश है ना। सूडान से अलग हुआ, नॉर्थ सूडान अलग, साउथ सूडान अलग। देखो भाई, एक TVS बाइक लेके आ रहे हैं जुबा से साउथ सूडान से। बॉर्डर के किनारे किनारे होके कहीं और पहाड़ में जा रहे हैं, वहाँ पे आप लोगों को कुछ दिखाना। अगर मैं साउथ सूडान जाना चाहूँ तो बिना किसी के परमिशन के भी जा सकता हूँ। यहाँ से चढ़ो और उस पर साउथ सूडान एक अलग देश में। करीब वाला पार्ट में अभी आया हुआ, जहाँ पे कोई ऑफिसर्स नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसा कुछ काम नहीं करेंगे। और वहाँ पर भी जब मैं गया था ना उस साइड में, तो एक आर्मी के ऑफिसर मेरे साथ में थे, लेकिन वो वीडियो में नहीं आना चाह रहे थे क्योंकि उनका भी कुछ अपना रूल रेगुलेशन होता है। चलिए यार आगे बढ़ते हैं, मौसम तो खराब हो रहा है। तो भाई हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं भाई, इधर के गाय बैल देखिए आप लोग। तो एक तीन लोग जा रहे हैं, जैसे आप लोग बोलेंगे तीन सवारी क्यों एक बाइक पे, यहाँ पे लीगल है यार। लीगल होने पे भी अपनी सुरक्षा के लिए तो नहीं आना चाहिए, लेकिन एक लोकल बंदा होना ज़रूरी है साथ में, ताकि थोड़ा इजी हो घूमना फिरना आसपास में। जादू जादू भाई, अभी हमारी गाड़ी उधर जाने वाली थी। अरे जहाँ पे जा रहे हैं ना वहाँ पहुँचना आसान नहीं, फिर से रुकना पड़ गया यार। और इस रास्ते में भाई किसी और का आना जाना नहीं लगा हुआ है, जब से इस रास्ते में आना शुरू किए हैं बस हम ही हम हैं। तो भाई पूरे टॉप में पहुँच गए हैं, लुमुआका करके ये विलेज है और लोटू टूरू करके एक जगह है थोड़े नीचे में है ना। ये वाला जो लुमुआका गांव है ये एकदम टॉप वाला गांव है इस पहाड़ में जहां पर हम लोग आए हुए हैं। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा यहां पे पहाड़ों वाला जो गांव होता है वहां का जो जनजीवन होता है वो कैसा होता है, लोग कैसे हैं यहां पे, पहाड़ों में रहने वाले युगांडन लोग है ना। तो घर वगैरह तो वैसे ही है यार विलेज में, और कुछ शराबी भैया लोग हैं मेरे साथ में। हेलो ओके ओके पी के टूल है भैया लोग। यस 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 गुड गुड इन टेन इनिंग ओके मेरे फ्रेंड, 10-15 बार हाथ मिला लिया ऐसे ऐसे अतेमा बे या यस। ओ यहाँ पे दुकान भी है भाई गांव वालों के लिए, काफी सारे घर हैं इधर में। हेलो मटोके गुड 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 इट इन टेन इनिंग ओके। हेलो हाउ आर यू, शर्मिला बच्चा पता नहीं यार ये भैया लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन साथ तो दे रहे हैं अभी तक तो सही अच्छा चल रहा है। वैसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अब तक तो मेरा शराबी भाई भैया लोगों के साथ में। मेरे ब्लॉग्स के हम किरदार है ये यार, इन लोगों को ऐसे ही गलत नहीं बोल सकता मैं। ब्यूटीफुल व्हाट इज देयर ओके ओके आइए आइए ब्रदर, अंडे देने दो यार तब तो खाओगे। दिस वन फॉर पिग ए पिग चीको। अच्छा ओके इट्स ए मिरिंग मशीन दिस वन म्यूजिक ये म्यूजिक चीको। बस आज ही घूमना है यार नॉर्थन युगांडा। कल दोस्तों हम लोग वापस जाना शुरू करेंगे जिंजा के लिए, 2 दिन का समय लगेगा कल और परसों, हम लोग पहुंच जाएंगे शाम रात तक जिंजा। यस वेलकम टू युगांडा द पर्ल ऑफ अफ्रीका। थैंक यू माय फ्रेंड्स, थैंक यू। इट्स ओके हेलो यार, पहाड़ी लोग हर जगह अच्छे होते हैं यार, सिर्फ हमारे देश की बात नहीं है। यहाँ पे देखिए पहली मुलाकात है लेकिन बहुत अच्छे से स्वागत कर रहे हैं। माय नेम इज दीपक, व्हाट अबाउट यू? वेरी गुड।
Jacob Patrick. Yes. My name is Deepak Kapoor. Deepak Kapoor. Yeah. भाई यहाँ पे खेती बाड़ी भी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है मुझे. इधर में आप लोग देखिए बैंगन की खेती भाई. This is your home. Yeah, hey, my home is. Wow. भाई साहब क्या ही बताऊं यार, इतना सुंदर. थैंक यू यार. जबकि यहाँ पे उतना कोई नहीं आते जाते हैं, बाहरी लोग हैं ना, फिर भी इतने फ्रेंडली हैं. युगांडा हम लोग ना ऐसा घूम के आए, तो जो साउथ सूडान है उधर रह गया. हम लोग ऐसे घूम के आए ना, तो स्टिल ये वाला जो पार्ट आप लोग देख रहे हैं युगांडा है, और उधर वाला जहाँ से हम लोग किनारे किनारे आए ना, और उधर वाला पता नहीं वीडियो में कैसे पता चलेगा, उधर वाला मुझे पता चल रहा है, तो वो साउथ सूडान था. तो ऐसे घूमा हुआ है ना, थोड़ा सा साउथ सूडान दिखेगा इस इधर वाला में भी, वो पीछे तरफ वाला जो माउंटेन है ना चल रहा हुआ नहीं है रिकॉर्ड. फोटो खींच बोल. यस सो बैड. हाय रास्ते में तो तुम्हारे पापा नाम से सा. हाय ना ना तीन इतना सीरियस होके नहीं यार. ओके थैंक यू. यस या वेर गुड. हाय यस यस सो बैड. या यो गो अकी रायन अन मैनुअल. हां या वन वी वांट टू stop here because no we will go back now. Yes, yeah, going back. Yeah okay bye. थोड़ी देर पहले ऐसा लग रहा था दोस्तों जैसे यहाँ पे बारिश होने को है, लेकिन सही हो गया मौसम तो यार. हेलो पोले पोले एटी नीनी या पोले बाबा. ओके थैंक यू पोले. यस वेरी नाइस टू मीट यू मामा. Mama, your mama? Hey. Okay. Okay, nice. Thank you so much. Nice to meet you. Okay. थोड़ा थोड़ा मुझे स्वाहिली आता है, बहुत थोड़ा थोड़ा, तो ये भैया के साथ में अभी बात कर पा रहा हूँ. अभी वो एक वर्ड बोले ना स्वाहिली में कि स्वाहिली बोलते हैं यहाँ पे, तो मैंने बोला यार अच्छा यार आपको स्वाहिली भी आता है, तो फिर हम लोग बात करें थोड़ा थोड़ा. बस यार ये गांव घूम लिया, आगे बढ़ते हैं लोटू टूरू के तरफ में. लोटू टूरू में ही है शायद जो प्रिजन है. विल गो देयर और देयर. एक बात यार, हम लोग गलती से यहाँ पे पहुँच गए. हम लोग वापस जाके एक दूसरा रास्ता लेंगे है ना. हम लोग सोच रहे थे इधर में कहीं से जाना है, लेकिन गलत रास्ते में आ गए. और अच्छा हुआ गलत रास्ते में हम लोग आ गए, वरना यहाँ पे या ये सब गांव देखना कैसे हो पाता है. थैंक यू सो मच. ओके एंजॉय टुडे. बाय बाय बाय. ओके बाय बाय. ये थोड़ा हीरो टाइप है यार. गो एंड ईट समथिंग, डोंट ड्रिंक. ओके लामुआ माउंटेन. वाओ. और इस जगह के बारे में बताता हूँ, ये एक अमेजिंग जगह है और हिस्ट्री से जुड़ा हुआ. किंग जॉर्ज ऑफ इंग्लैंड बिकॉज़ ऑफ द वर्ल्ड वॉर. बिकॉज़ ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 बिटवीन 1944 टू 1945. ओके सो दिस वाज हाइड आउट ड्यूरिंग दैट टाइम ऑफ द वॉर. तो भाई ये जगह देखिए, ये आम जगह नहीं है. ये किंग जॉर्ज को छुपाया गया था यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, है ना. किंग जॉर्ज वाज द हस्बैंड ऑफ क्वीन एलिजाबेथ. भाई इधर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू लोटुटूरू 1976. और ये जगह भाई यहाँ पे ईदी अमीन रहते थे. ईदी अमीन के बारे में आप लोग जानते हैं, ईदी अमीन एक बहुत ही क्रूर और खतरनाक तानाशाह हुआ करते थे. हजारों लाखों लोगों को मरवाया था उन्होंने. ये ईदी अमीन का चेयर है भाई, कोई आम कुर्सी नहीं. When is here, he's very safe, huh? Yes.
Two, you also want to focus on the borderline. Okay. और ये जगह तो भाई वो जगह है जहाँ पे इडी अमीन बैठ के आराम से नजारे देखा करते थे। इस जगह को आप लोग एक बार फिर से देखिए दोस्तों, और इधर में आप लोग देखिए झोपड़ी जैसे, ये सिर्फ झोपड़ी नहीं है, गांव वालों का घर नहीं है। एक पीले कलर का ड्रेस पहना हुआ है बंदा, उसको भी आप लोगों ने देखा, वो यहाँ पे कैदी है। और वो जो झोपड़ी दिख रहे हैं ये जेल खाना है भाई। वापस जाने के लिए निकल गए हैं यार हम लोग, रात हो जाएगी लग रहे हैं जाते जाते। तो भाई फाइनली पहुंच गए हैं नीचे। ये डिनर आज का, राइस और बीन्स। दोस्तों गुड मॉर्निंग, यहाँ लोकुंग में ही हूँ मैं, और आज नॉर्दर्न युगांडा से वापस जाने की शुरुआत होगी। लेकिन मैं सोच रहा हूँ एक अलग रूट पकड़े, यहाँ से गुलू जाए, गुलू से फिर अलग रास्ता है ना, और सेंट्रल युगांडा होते हुए जहाँ पे मैं रुका हुआ था जिंजा में, वहाँ पहुंचे। वैसे जिस रास्ते से होकर हम लोग आए वो ज्यादा सही और ज्यादा पास पड़ता, मतलब दूरी कम पड़ता, लेकिन सोच रहे थोड़ा अलग अलग जगह देख लेंगे तो अच्छा होगा। तो निकलते हैं यार। रास्ते में रुक गए हैं यार, वेट कर रहे हैं किसी का, एक बोडा वाले भाई साहब का। मैं चार्जर पावर बैंक भूल गया हूँ यार जहाँ पर रुके हुए थे, और मेन रोड के पास में पहुँच गए हैं। यहाँ से लगभग 35 किलोमीटर के आसपास होगा, तो वापस जाना फिर आना 70 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ता, और हम लोगों को लंबा जाना है। टाइम का तो जैसा भी हो, लेकिन बहुत धूल भरे रास्ते हैं, तो एक बार तो धूल खा के आए, फिर धूल खा के जाते, फिर धूल खा के आते, तो वो हरासमेंट होने लगता है। वैसे भी मेरे दोस्त का तबीयत थोड़ा ख़राब है, और गाड़ी मुझे ही चलाना पड़ेगा, अभी भी मैं ही चला के आया। ये जो भाई हैं ज़्यादा ट्रेवल नहीं करते हैं, तो थोड़ा थकावट हो गया शायद, तो देखते हैं दवाई ले लेंगे रास्ते में, ग्लूकोज वगैरह। तो भाई यहाँ पे रोलेक्स खाने के लिए आया हुआ हूँ मैं, वो बोडा वाले भाई आ रहे हैं, तब तक इसके ऊपर रोटी डाल दिए भाई, अब इसको रोल करेंगे। ये भाई रोलेक्स तैयार है, खाता हूँ मैं, और जो मेरे दोस्त हैं वो नहीं खाएंगे, उनका तबीयत खराब है, उनको देखने का मन भी नहीं हो रहा ऐसा वो बोल रहे थे, तो वो गए हैं जूस लेने के लिए आसपास में। कितकुम सिटी में आ गए हैं यार, यहाँ बैठ के अब इंतज़ार करेंगे, और इधर देखिए क्या बन रहा है। ये भैया बोल रहे हैं फिट बैठेगा आपके ऊपर। भाई ये भैया बोल रहे हैं कि बस यार हमारे बिजनेस में तो ऐसा है, किसी के मरने का इंतजार करते हैं, तब ये बिकता है, तब इनका घर चलता है। तो भाई हॉस्पिटल गए थे अभी थोड़ी देर पहले, और ये डॉक्टर ने दवाई दिया है भाई को, है ना, मलेरिया टेस्ट भी हुआ, वो तो खैर नेगेटिव आया। रास्ते में रुके हुए हैं दोस्तों पाइनएप्पल खाने के लिए। यस थैंक यू। ये देखिए ये 2000 का है, मतलब हो गया 40 रुपए के आसपास। इधर बहुत है पाइनएप्पल यार। 18 किलोमीटर बच गया गुल्लू यहाँ से, बहुत सही है। इधर देखिए दोस्तों नाइल रिवर, ये नाइल रिवर जहाँ से निकलती है ना दोस्तों, वहाँ पहुँचना है हम लोगों को जिंजा, दुनिया की सबसे लंबी नदी। फंस गए भाई बीच रास्ते में, पेट्रोल खत्म हो गया, और यहाँ पे कोई नेशनल पार्क भी आसपास। हेलो, ये लोग हेल्प करेंगे क्या? ये भैया लोग रुके हुए हैं यार, यहाँ के लोग काफी अच्छे होते हैं जैसा कि मैं बोलता आ रहा हूँ, वरना ऐसे बीच में तो, और ऊपर से ऐसे हाईवे है। भाई पेट्रोल मिल गया थोड़ी दूर आने के बाद में। फेंटा डलवा रहे हैं भाई हम लोग गाड़ी में, फेंटा फॉर द बाइक सोडा। तो भाई गुड मॉर्निंग, तैयारी हो चुकी है यहाँ से निकलने के लिए। यहाँ पे सो गए थे कि बांजा नाम का ये जगह है, वेस्टर्न युगांडा में पड़ता है। तो चलिए दोस्तों निकलते हैं यहाँ से, अब मैं सीधे आप लोगों से बात करूंगा जिंजा पहुँच के। तो भाई फाइनली वेलकम टू जिंजा एक बार फिर से, और पहुंचते पहुंचते मेरे दोस्त का तबीयत भी लगभग सही हो गया है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कपड़े धोए मैंने काफी सारे, बारिश हुई थी फिर ऐसे तगड़ी धूप। वीडियो यहां पर एंड करने का सोच रहा हूं यार, मैं अभी कहीं जा रहा हूं, वो एक नए ब्लॉग में देखेंगे,
वो इस देश का आखिरी ब्लॉग होगा, है ना। इसके बाद एक और ब्लॉग आएगा या फिर उसी ब्लॉग में ही मैं पहुंच जाऊंगा इंडिया, जाने वाला हूं इंडिया कुछ दिनों के लिए, फिर अलग अलग देशों में घूमने के लिए जाएंगे। हाँ, तो इस ब्लॉग के बारे में बात करते हैं थोड़ा एंड करने से पहले। आप लोगों ने देखा नॉर्दर्न युगांडा का सफर हम लोगों का कैसा था। हम लोगों ने शुरू किया ईस्टर्न से, नॉर्दर्न युगांडा में पहुंचे, फिर वेस्टर्न से होते हुए सेंट्रल में एंट्री की और सेंट्रल से होते हुए ईस्टर्न युगांडा में पहुंचे वापस। जिंजा ईस्टर्न युगांडा में ही आता है, साउथ पार्ट में लेक विक्टोरिया का पानी है। लेक विक्टोरिया का काफी बड़ा हिस्सा इस देश के पास में है दोस्तों। तो ठीक है यार, नए ब्लॉग के साथ में मिलते हैं। इस ब्लॉग में इतना ही, बहुत ज्यादा ख्याल रखिए अपना। ये जो ब्लॉग था आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। नमस्कार।